Girls of a small hamlet in Haryana's Rewari district saw a hunger strike demanding upgradation of their village school to class 12th. मैं इन बच्चियों के समर्थन में अभी अनशन पे बैठा हूं और मुझे बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा है कि आज हमारे देश की यह हालत है कि सभी सरकारें कहती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन बच्चियों ने डिमांड की हुई है सिर्फ इनका स्कूल जो है हाई सेकेंडरी स्कूल किया जाए एक छोटी सी डिमांड है और आज ये सात दिन से अनशन पर बैठी हैं कि सरकार ने इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी इसलिए मैं भी इन बच्चियों के समर्थन में आज अनशन पर इसीलिए बैठा हूं कि जब तक सरकार हमारी शर्त नहीं मानेगी चाहे महीना दो महीना छह महीने साल जितने दिन नहीं मानेगी हम यहीं बैठे रहेंगे सरपंच साहब और हम यहां से उठेंगे नहीं हाँ अभी यहाँ पर बच्चियों ने बताया है कि इसके बारे में पहले कई बार FIR भी हो चुकी है यहाँ तक कि बोला मर्डर भी हो चुकी है यहाँ ये दूर स्कूल में जाना पड़ता है बच्चियों के साथ इतनी गंदी हरकतें होती हैं जिसको मैं आपके कैमरे के सामने बयान करना शायद बड़ी शर्म की बात वैसे तो बोलते हैं सुरक्षा करो है? महिलाओं की सुरक्षा बच्चियों की सुरक्षा क्या सुरक्षा है यहाँ आके देखिए ना आप सुरक्षा क्या क्या किसी ने पूछा किसी ने ध्यान दिया है कभी तक इन बच्चों बड़े शर्म की बात है सरकारों के लिए हम बहुत परेशान थे जब हम कमाली जाते तो हमें 3 किलोमीटर चलना पड़ता था जो समाज के असामाजिक तत्व थे हमें छेड़खानी करते थे वो हेलमेट पहन के आते थे हम पहचान नहीं पाते हमने अपने पेरेंट्स को भी कहा कि हमारे साथ ऐसी हरकतें होती है पेरेंट्स ने कहा कि तुम स्कूल छोड़ दो और घर पर बैठ जाओ तो हम स्कूल कैसे छोड़ दे जब मोदी जी का ये अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर हम स्कूल छोड़ देंगे तो उनका यह अभियान कैसे पूर्ण होगा अब हमारे यहाँ पर 7 दिन हो गए लड़कियों को भूखे बैठते रोज रोज लड़कियां यहाँ पर गिर रही है पर कोई भी देख नहीं रहा सब अनदेखा किया जा रहा है सरकार क्या क्या अभी भी नहीं खुल रही सम ऑफ द गर्ल्स हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड ड्यू टू डिहाइड्रेशन